नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने कबीर संस्थान और यथार्थ फाउंडेशन के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा पर आयोजित किए जा रहे संत सम्मेलन और स्नेह मिलन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस समारोह में छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य हिस्सों से भी लोग पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम के आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए आमंत्रण के लिए प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त किया। उधर राजनांदगांव शहर के प्रभात नगर क्षेत्र से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर श्रद्धालु व्यापक तैयारियों में जुटे हुए नजर आए। इस वर्ष जगन्नाथपुरी की तर्ज पर यह यात्रा निकाली जा रही है। राजनांदगांव शहर के प्रभात नगर लालबाग से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा भक्ति के साथ निकाली जा रही है। यात्रा को लेकर मंदिर समिति के सुनील कुमार ने बताया कि महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का भव्य आयोजन श्री जगन्नाथ समिति प्रभात नगर ने किया है, जिसमें इस वर्ष उड़ीसा के पुरी की तर्ज पर पारंपरिक रूप से उड़िया माँ नृत्य आकर्षण का केंद्र साफ तौर पर दिखाई देगा। राजनांदगांव के जनता भी हमारे रथ को इंतजार करते रहते हैं कि कब इनके रथ आए और हम आम शरीक हों, और हमारे बहुत वेशभूषा में हम लोग पूरे जिस प्रकार से हम एक कलर के कपड़े पहनते हैं, लेडीज साड़ी पहनते हैं और जेंट्स कुर्ता पहनते हैं, एक आशा का केंद्र बना हुआ रहता है और लोग बड़े ही उत्सुक से हमारे इंतज़ार करते रहते हैं। और इस बार भी हम अपेक्षा करते हैं कि राजनांदगांव की जनता हमें जैसे हर साल की तरह सहयोग करते हैं, इस साल भी सहयोग करें और हम राजनांदगांव के जनता के अनुरूप उड़ीसा का रिदम के साथ हमारे रथ यात्रा निकली जाएगी, उसमें समस्त राजनांदगांव के जनता हमें सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। इस बार बहुत ही खास है, इतना खास है, देख सकते हैं आप हमारे रथ की तैयारी चल रही है और बस कुछ ही दिनों में रथ की पूरी तैयारी समाप्त हो जाएगी और रथ पर स्वामी जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी बैठ के शहर भ्रमण के लिए निकलेंगे। उधर राजधानी रायपुर में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। युवती की लाश होटल के कमरे में तो बॉयफ्रेंड की लाश उरकुरा रेलवे फाटक के पास मिली है। युवती कल से लापता थी, जिसकी रायपुर के थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों युवक और युवती अंबिकापुर के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार मृतक युवती वाणी गोयल, जो कि कल से लापता थी, उसका फोन बंद होने पर घर वालों ने रायपुर के सरस्वती नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कल रात युवती की लोकेशन मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन होटल प्रबंधन ने रूम नहीं खोलने दिया था। इसके बाद फिर पुलिस की टीम आई और रूम खोला तो कमरे में युवती की लाश मिली। वहीं युवती के बॉयफ्रेंड विशाल का शव देर रात उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास मिला है। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। रायपुर पुलिस ने बताया कि होटल में इस दौरान युवती और उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास युवक की लाश मिली। युवती कल से ही लापता थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दमोह जिले में भी तालाबों का संरक्षण, सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण का कार्य लगातार जारी है, जिसमें वाल्मीकि शमशान घाट के आसपास पौधारोपण किए जा रहे हैं। इस दौरान अपर कलेक्टर मीना, एसडीएम आरएल बागरी, विधायक जयंत मलैया सहित समाजसेवी संस्थाओं और वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुक्तिधाम में श्रमदान कर एक वृक्ष माँ के नाम अभियान के तहत रोपित किए और लोगों से भी अपने घरों में, खेतों में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की है।
खबरों में आगे बढ़ेंगी। नर्मदापुरम जिला शिक्षा अधिकारी ने इस दौरान स्कूल के सत्र 2023-24 में नियम विरुद्ध बढ़ाई गई फीस राशि लगभग 54,74,140 रुपए की राशि एक माह में संबंधित अभिभावकों को वापस करने के आदेश इस दौरान जारी किए हैं। एमपी के निजी विद्यालय फीस अधिनियम में अभिभावकों की शिकायत निपटारे का प्रावधान है। डीपीआई पोर्टल पर जिन निजी विद्यालयों की फीस 10% से अधिक बढ़ी है, ऐसे 23 विद्यालय को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 4 जुलाई 2024 को जारी किया गया। चूंकि स्कूलों का पक्ष सुने बिना सीधे कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसलिए उन्हें नोटिस दिए गए हैं। जिन दो विद्यालयों के जवाब प्राप्त हुए थे, उनको जिला समिति में प्रभारी कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णय अनुसार फीस वापसी के आदेश दिए गए हैं। दमोह जिले के रेलवे स्टेशन पर जहां बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है और बच्चे शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। इन बच्चों के सुधार के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार एनजीओ को भेजती है, लेकिन अधिकारियों ने धरातल पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। देखना होगा कि प्रशासन कब कुंभकर्णी नींद से जागता है और कब इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो पाता है। महाराष्ट्र के अमरावती की सेंट्रल जेल में क्रिकेट बॉल के अंदर बारूद से भरे पटाखे जैसी वस्तु मिलने के कारण हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना शनिवार रात की है। रात के वक्त जेल की दीवार के बाहर से बारूद से भरी गेंद को फेंके जाने का शक है। इस दौरान एक गेंद फट गई थी और एक अन्य गेंद बिना फटे बरामद की गई है। जेल में बारूद से भरी गेंद मिलने की सूचना प्राप्त होते ही जिले के पुलिस कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी ने पुलिस बल के साथ जेल का दौरा किया। इसके बाद बम डिटेक्टर एंड डिस्पोजल टीम ने जेल की जांच की। गेंद में भरे बारूद के फटने से हालांकि किसी को चोट नहीं पहुंची और ना ही कोई जान मान की हानि हुई है, लेकिन इस वजह से जेल की सुरक्षा पर सवाल अब उठाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। उधर नवी मुंबई और पनवेल में सुबह से ही बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भरने लगा है। इसके साथ ही आदई और सुकापुर क्षेत्रों के गांवों में पानी भर गया है। सड़कों की अगर बात करें, सोसाइटियों की अगर बात करें, तो यहां पर भी पानी इकट्ठा हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत पानी निकालने का काम शुरू कर दिया है और नागरिकों से सुरक्षित रहने की अपील की है। आपातकाल सेवा विभाग और नगर पालिका लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आदई और सुकापुर क्षेत्रों में गांवों में पानी भरने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों और सोसाइटी पर पानी जमा होने से यातायात में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वो सतर्क रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नवी मुंबई की ये तस्वीरें हैं जहां पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश के बाद किस तरीके से जलभराव की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, वो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं और सड़कें ही नहीं, सिर्फ सोसाइटी के अंदर घरों तक भी पानी जो है वो घुस चुका है। सड़कों पर जो वाहन हैं उनके पहियों के अगर बात करें, वाहनों के पहिए वो थम गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो बसें हैं उनके पहिए पूरी तरीके से थम गए हैं इस भारी बारिश की वजह से, और बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो मुंबई में बने हुए हैं। सड़कें दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि जहां सड़कें थी वहां पर सिर्फ
चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रथ यात्रा प्रारंभ हो गई है जो अगले 10 दिनों तक चलने वाली है। इस दौरान नगर भ्रमण प्रभु करेंगे। 33 वर्षों के बाद ये अद्भुत संयोग लोगों को मिल रहा है। भगवान जगन्नाथ का नव यौवन दर्शन और रथ यात्रा एक ही दिन में एक ही साथ होने जा रहे हैं। इसको लेकर लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। इस संयोग को देखते हुए लोग सुबह से ही बोकारो की सेक्टर 4 स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन कर रहे हैं। सुबह सुबह मंदिरों के भीतर पुजारियों के द्वारा भगवान जगन्नाथ का स्नान कराया गया, उसके बाद कपाट खोले गए जिसके बाद भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। सेक्टर 4 जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा प्रारंभ हुई जो मौसी बाड़ी राम मंदिर तक पहुंचेगी। देखिए जय जगन्नाथ और हरि बोल के नारे से जो है पूरा बोकारो या हम कहें कि पूरा देश जो है वो गुंजयमान हो चुका है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है रोड पे आ गई है और श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए भगरमाथ जो है वो पूरे शहर का भ्रमण करके अपनी मौसीबाड़ी सेक्टर 1 स्थित राम मंदिर पहुंचेंगे। देखिए आप किस तरीके से भगवान जगन्नाथ की रथ खींचने की जो रस्सी है उसको पकड़े हुई है और कितना उत्साह है ये साफ तौर पर जो है देखने को मिल रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें जो है हम आपको बोकारो से दिखा रहे हैं। हम कुछ महिलाएं हैं उनसे जुड़ते हैं और जो जानने की कोशिश करते हैं कितना उत्साह है आज भगवान निकले हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। आज बहुत हमें बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच हम लोग सबको इस रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। आज हमारी बहुत खुशी का दिन है। क्या मन्नत लेके चले हैं आज भगवान का रथ खींच रही है? मन्नत तो सबके मन में है लेकिन चाहते कि सबकी मनोकामना भी पूरी करे भगवान जगन्नाथ। सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम हैं, आप देख सकते हैं सुरक्षा के जो कर्मी हैं, हम यहाँ पे जो है CISF के लोग हैं ये सुरक्षा में तैनात हैं और काफी जो है यहाँ पे सुरक्षा के व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की कोई असुविधा किसी को भी ना हो। कुछ युवा भक्त हैं जो जय जगन्नाथ के नारे लेते हैं। कितना उत्साह है आज? बहुत उत्साह है। हम लोग आए हैं यहाँ पर और पूरी नहीं जा पाए थे इस बार, पर यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है बोकारो में और पिछला साल से अभी बहुत ज्यादा भीड़ है। क्या मन्नत है, क्या मांग रहे हैं भगवान से? क्योंकि रथ के देख रहे हैं आप रस्सी पकड़े हुए हैं खींच रहे भगवान। मन्नत को तो बताया नहीं जा सकता है पर बहुत अच्छा उत्साह है और जब सबका जो भी आशा वगैरह है सब पूरा हो जाए वही आशा रहेगा मेरा। कहाँ से आए हैं आप? सर मेरा तो घर उड़ीसा है पर यहाँ से आए हैं कथारा बोकारो। देखिए तो कथारा की अगर हम बात करें तो कथारा यहाँ से लगभग हम बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से यह रथ खींचने के लिए आए हैं। काफी उल्लास है, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए भीड़ जो है आपको साफ तौर पे दिख रही होगी, हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है, सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। तो यह कुल मिला के देख ले तो भगवान जो है आज दर्शन देने के लिए सभी भक्तों को जो है सड़क से दर्शन देते हुए पहुंचेंगे अपनी मौसीबाड़ी राम मंदिर में। तो देखिए यह रथ की शुरुआत हो गई है, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो है रथ खींचा जा रहा है और जो भक्त हैं वो या तो महिला की बात करें या पुरुष की बात करें कितना उल्लास है और सुरक्षा कर्मी जो है पूरे तरीके से तैनात है। तो यह देखिए आपको हम रथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रथ पे जो है भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जो है देख लीजिए कि रथ पे हैं और आपको रथ की तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम बोकारो से दिखा रहे हैं और यह तस्वीरें जो है आपको साफ तौर पे देखने को मिल रही है दर्शकों को। यह तस्वीरें हम जो है बोकारो से दिखा रहे हैं तो आप साफ तौर पे देखिए कि कितना उत्साह है भक्तों में और ये जो हर्षोल्लास है भक्तों का ये साफ तौर पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से हर्षोल्लास है। तो मैं सहयोगी अंकुश के साथ बोकारो से APN न्यूज के लिए। और उधर राष्ट्रीय जनता दल की 28वें स्थापना दिवस पर धनबाद के परिसदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें धनबाद जिले से RGD नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता चंदेश्वर यादव ने कहा कि आज काफी गर्व का दिन है, आज के दिन ही लालू यादव ने पार्टी की स्थापना की थी और बिहार के साथ साथ पूरे देश में शिक्षा की अलख जगाने को लेकर चरवाहा स्कूल खोला था ताकि हर किसी को शिक्षा मिले। उन्होंने ही जातीय जनगणना की मांग की थी। आज उनके उठाई आवाज पर ही हर पार्टी के लोग पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को भी मिला है। एक ऐसा दल है जो गरीबों को थान के लिए, इसके बाद में जिनको कल बोलने का अधिकार नहीं मिलता था उससे लोग के मुंह में आवाज दिए, उन्होंने
चारवाहा विद्यालय खोला, जिन गांव में शिक्षा का विकास नहीं हुआ था उस गांव में वो खुद गए अपने मंत्रिमंडल की टीम लेकर के उन लोग के बीच में शिक्षा का प्रसार किए। गांव के बीच में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में तुरंत उन्होंने शिक्षा का चयन करके तुरंत उनको नियुक्ति पत्र दिया। ऐसा करके उन्होंने देश में एक जागृति लाने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल आज देश दुनिया में सारे लोग जानते हैं उनको है, और इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल हम लोग आज यहाँ पर 18वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल हम लोग आज यहाँ कार्यक्रम को करने के तहत यही कहना है, इस दल को हम लोग गांव देहात सुदूर इलाके में इसको जन जन तक पहुंचाने काम करेंगे। और उधर भारतीय जनसंघ की संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने सिटी सेंटर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर अनेक कार्यकर्ता सहित दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि भारत की एकता और वीरता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने अपने आप को बलिदान कर दिया। आज हमारा कश्मीर जो भारत का मूल्य अंग है, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही दिया हुआ है। जैसे कांग्रेस ने कश्मीर में अलग राज्य और अलग कानून बनाने की मांग की थी, कश्मीर के अंदर कोई भी भारतीय अंदर नहीं जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए भारत को शक्तिशाली, भारत को समृद्धशाली, भारत को स्वावलंबी बनाते हुए नए भारत की रचना कर रहे हैं, और इसलिए जो धनबाद के अंदर हमारा जो सिंदरी का कारखाना है जो देश का पहला सार्वजनिक उपक्रम बना, यह भी जब उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तो उनकी हुआ था, और इसलिए आज पूरा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। आज उनके जयंती के अवसर पर हम सब उनको शत-शत नमन करते हैं, और उन्होंने जो एक शक्तिशाली अखंड भारत का सपना देखा था उस सपने में हम सबका योगदान हो, उस सपने को पूरा करने में हम उसके लिए संकल्प भी लेते हैं। उधर धनबाद में पिछले दिनों इंजीनियरिंग छात्र अमरदीप भगत की हुई हत्या मामले की सीबीआई से जांच की मांग उठ रही है। अमरदीप के परिजनों के साथ ही मनई टांड के स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर हत्याकांड की सीबीआई से जांच की मांग की है। अमरदीप के माता पिता और उनके परिजनों ने पुलिस के अनुसंधान पर सवाल उठाते हुए ये आरोप लगाया कि पुलिस ने अमरदीप हत्याकांड में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि असली मुजरिम को खुला छोड़ दिया है। बता दें कि पिछले 21 जून को अमरदीप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने अमरदीप की हत्या के पीछे की वजह लूटपाट करना बताया था। बदमाशों ने इस दौरान विरोध करने पर गोली मार दी थी अमरदीप को, और परिजन अमरदीप की हत्या को सुनियोजित तरीके से हत्या बता रहे हैं। उधर राज्य के विभिन्न जिले से सीटेट का एग्जाम देने छात्र भारी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। एग्जाम के लिए छात्र सुबह के 7:30 बजे से ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर रहे थे। उनकी परीक्षा 9:30 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक चली। वहीं लोहरदगा से परीक्षा देने छात्राएं बिरला पब्लिक स्कूल पहुंचे। आपने आपने नीट का भी एग्जाम दिया था, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो आज देखने को मिल रहा है झारखंड में? हम लोग तैयारी अच्छे से करते हैं और उसमें अगर लीक हो जाती है तो उससे हम लोग को बहुत नुकसान होता है। हम लोग पूरा उत्साह भी लिखते हैं लेकिन उसमें हार्ड हो जाते हैं, हम लोग पूरे अच्छे से नहीं कर पाते, फिर हम अच्छा नहीं लगता एग्जाम बार बार लिखने में। सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगी? ये सब जो लीक हो रही है, जो भी कंपनियां कर रही है, जो भी टीचर कर रहे हैं, उनको उनके सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए उनके खिलाफ। हम लोग बार बार एग्ज़ाम लिखने आते हैं, खर्च करते आते हैं, इतने अच्छे से मेहनत करते हैं, पढ़ाई में भी खर्च करते हैं और एग्ज़ाम लीक हो जाता है, इससे हम लोग बहुत ही मन मतलब टूट जाता है और एग्ज़ाम लिखने के प्रति और इच्छा नहीं हो पाता, आर्थिक लॉस होता है, उसको लेकर के क्या मांग करेंगे?
और उधर बेरमो बी एंड के क्षेत्र अंतर्गत बारी ग्राम की जनता भूमिगत आग से दहशत में है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से सीसीएल क्षेत्र अंतर्गत बोकारो कोलियरी के बारी ग्राम अम्बेडकर चौक के आसपास की बड़ी आबादी में लोग भूमिगत आग लगने से दहशत में जी रहे हैं और आग ऐसी कि आग की लपटों को देखकर ही पता लगता है कि ये भूमिगत आग कभी भी आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले सकती है। वहीं फुसरो से कथारा गोमिया को जोड़ने वाला मुख्य हीरक रोड भी डेंजर जोन में है। लाखों की संपत्ति CISF बैरक भी खंडर हो चुका है। बारीग्राम के निकट मुख्य सड़क के दोनों तरफ आग लगी हुई है। आग से पेड़ पौधे पूरी तरीके से झुलस चुके हैं। इस गंभीर विषय पर मीडिया से बात करते हुए आजसू नेता बीरू हरी ने कहा कि मैनेजमेंट और वर्तमान सरकार इस गंभीर समस्या को अनदेखा किए हुए है। बारीग्राम गांधीनगर के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। हम लोगों ने इस समस्या को लेकर यहाँ के मैनेजमेंट और वर्तमान सरकार को अवगत कराया है। यहाँ की सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं पूर्व पंचायत समिति ने कहा कि यहाँ की 80% आबादी का स्थायी और वर्तमान स्थान यही है। अगर आग बारीग्राम की तरफ बढ़ने लगी तो इतनी बड़ी आबादी कहाँ जाएगी। साथ ही छात्र नेता अनूप कुमार ने कहा कि आग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आग से निकलने वाली जहरीली गैस बहुत इफेक्ट कर रही है। उधर देवघर में बहुमंजिला बिल्डिंग गिरने की घटना सामने आई। आपको बता दें कि जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम को घटनास्थल पर प्रतिनियुक्ति कर दिया है ताकि बचाव कार्य तेजी से चलाया जा सके। वहीं इसके अलावा दंडाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस टीम, दमकल की टीम और पुलिस बचाव अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही इमारत के गिरने के कारण कुछ लोगों के अंदर फंसने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं स्थल पर एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार कर रही है। उधर सासाराम प्रखंड अंतर्गत लालगंज कुराइच नहर में धुआ गांव के पास चार छात्रा नहर में डूब गई। सूचना पर पहुंचे लोगों ने खोजबीन जारी रखी। चारों छात्रा सासाराम धुआ गांव की बताई जा रही हैं, जिसमें दो सगी बहनें भी शामिल हैं। समाजसेवी योगेंद्र ने बताया कि मेहंदीगंज विद्यालय से धुआ गांव की चार छात्रा पढ़कर अपने गांव आने के बीच नहर पुल पर हाथ पैर धोने लगी, जहां पैर फिसलकर एक लड़की डूबने लगी, जिसे बचाने के लिए तीनों लड़कियां कोशिश करने लगी और इसी बीच बारी बारी चारों छात्राएं डूब गई। बताया गया कि धुआ गांव के मुन्ना यादव की बेटी बिपाशा कुमारी और बिट्टू कुमारी, पूर्णवासी यादव की बेटी पूजा कुमारी और धनजी प्रसाद की बेटी रिमझिम कुमारी नहर में डूब गई। सूचना पर पहुंचे प्रशासन पुलिस के लोग स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से लड़कियों को ढूंढने का काफी प्रयास किया गया। गांव के लोग भी नहर में ढूंढने के प्रयास में लगे हुए हैं। फिलहाल अब तक डूबी हुई चारों छात्राओं का पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। राज्यों से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।